हेलो दोस्तों, मेरा नाम इतिहास कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और उसी बीच में आपको कोई कॉल करता है तो आपका कॉल क्या है सीधा वेटिंग बताने लगता है अगर आपके फोन में कॉल वेटिंग एक्टिवेट रहता है तो। अगर आपका मोबाइल में कॉल वेटिंग एक्टिवेट नहीं है तो उस बीच में कोई भी बंदा आपको कॉल करता है तो डायरेक्ट बिजी बताने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग आपको सीधा बोलते हैं, भैया आप किससे बात करते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड हो तो वो पूछने लगी कि आप घंटों से किससे बात करो, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ बिजी बता रहा है, या आपका कॉल वेटिंग आ रहा है। इन चीज़ों से आपको बचना है तो जो चीज़ आज मैं सेटिंग बताने वाला हूँ उस सेटिंग को आप मोबाइल में कर दीजिए। उसके बाद आप 24 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा किसी से ही बात करते रहेंगे, आपका कॉल कभी बिजी नहीं बताएगा और ना वेटिंग बताएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हमें जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के यहाँ पर फोन डायलर में। यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में आप भी कुछ इसी तरह का क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं दो डॉट दिख रहा है, इस डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, ब्लॉक एंड फिल्टर एंड सेटिंग। तो आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको ठीक नीचे स्क्रॉल करके इस तरह से आना है और यहाँ पर करियर जो कॉल यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का आपको जाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉल फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिम वन या सिम टू, जिस सिम को आपको एक्टिवेट करना है उस सिम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिम वन अपना सेलेक्ट कर लिया, उसी में हमको ये सेटिंग करना है। आप भी जिस सिम में आपको सेटिंग करना होगा उस सिम को आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप दोनों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा रिडायरिंग होगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज फॉरवर्ड और यहाँ पर व्हेन बिजी। तो आप अगर कॉल पर आते हैं तो आपका कॉल बिजी आएगा या तो वेटिंग आएगा, तो सिंपली आपको व्हेन बिजी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने व्हेन बिजी पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर एक नंबर डालना है और ये नंबर क्यों डाल रहा हूँ वो आपको डिटेल्स में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट नंबर को डाल लेते हैं पहले, और नंबर डालने के बाद में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने नंबर डाल दिया, अब आप किसी से कॉल पर है, बात कर रहे हैं, उसी बीच में आपकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कर दी या आपके फैमिली मेम्बर फ़ोन कर दिए तो आपका कॉल वेटिंग बताने लगेगा। अगर आपने वेटिंग को ऑफ करके रखा है तो आपका कॉल बिजी बताने लगेगा। लेकिन अगर ये नंबर अगर डाल देते हैं, ये जो नंबर है मेरा स्विच ऑफ नंबर है, यानी ये नंबर हमारा बंद हो चुका है, अगर कॉल मुझे कोई करेगा तो बिजी नहीं बताएगा ना वेटिंग बताएगा, डायरेक्ट मेरा कॉल स्विच ऑफ बताएगा। तो स्विच ऑफ कब बताता है, जब आपका मोबाइल ऑफ रहता है। तो यहाँ पर मैं नंबर को डाल देता हूँ ये, कि जो मेरा नंबर ऑफ है, ताकि मुझे कोई भी कॉल करेगा तो मेरा नंबर डायरेक्ट वेटिंग नहीं बताएगा या मेरा फ़ोन बिजी नहीं बताएगा, डायरेक्ट ऑफ बताएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर जो नंबर डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आगे में प्लस 91 कोड लगा लेता हूँ और सीधा ओके पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर नंबर सेव होने का इंतज़ार करेंगे, कभी कभी सेव होता है कभी नहीं होता, लेकिन दोबारा भी आप इसको ट्राई करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसी को आपको करना है। यहाँ पर इसी तरह से नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना। बैक आने के बाद में फिर एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर आपको आना होगा एडिशनल सेटिंग, जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने सिम सेलेक्ट किया था वन, तो मैं वन को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपका कॉल वेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ से आपको इस तरह से ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद क्या होगा कि आपका कॉल वेटिंग नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपको कोई बंदा कॉल करता है तो कॉल बिजी नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको स्विच ऑफ बताएगा। तो इस तरह से ये आप अपने मोबाइल में सेटिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस चीज का वो भी आनंद उठा सके और एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।